यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोक सकते हैं यूरोपीय देश। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। हथियारों की कमी से जूझ रहा है जर्मनी, रोकेगा सप्लाई। ब्रिटेन भी साल के अंत तक कर सकता है फैसला। विजुअल्स के साथ, वित्तीय संकट की वजह से यूके की सरकार उठा सकती है कदम। बकायदा 50-50 बकायदा जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि जर्मनी अपने थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच चुका है। यह बहुत बड़ी खबर है, जर्मनी अपने थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच चुका है। सीधे आइए, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यूरोप छोड़ रहा यूक्रेन का साथ, ये बड़ी खबर है। मैं आशीष के पास आऊंगा। यहां पर ये देखें आप, जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है, मैं चाहूंगा इसको प्लीज हेडलाइन में मेंशन करें। जर्मनी के हथियार खत्म, जर्मनी के हथियार भेजने की क्षमता खत्म हो गई है, ये जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। इसको प्लीज जूम इन करें इसी ब्लॉक को यहां पर। नेक्स्ट, ब्रिटेन भी अब युद्ध के लिए मदद की स्थिति में नहीं है, यह भी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज करें इसको यहां पर। जर्मन रक्षा मंत्री ने सरकार को स्थिति से अवगत करा दिया है, रक्षा मंत्री ने। नेक्स्ट, सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, हजार सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ब्रिटेन साल के अंत तक रोक सकता है यूक्रेन की मदद, टू बी प्रिसाइज अक्टूबर 2022। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर जर्मनी का यह फैसला है। जर्मन के जो डिफेंस मिनिस्ट्री, उनका यह कहा, यूके में बढ़ते वित्तीय संकट के बाद सरकार उठा सकती है कदम। सीधे इस खबर के बाद, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ सीधे मैं चलूंगा जनरल अनुज माथुर सर के पास। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब एक तरफ गैस और दूसरी तरफ ये, सीधे सीधे सारे यूरोपियन कंट्रीज सर्दी आते आते खुद ठंडे होते जा रहे हैं यूक्रेन की मदद को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, किसी ने भी इस बात को नहीं समझा था, अंदेशा नहीं लगाया था, इस बात की तैयारी नहीं करी थी कि ये युद्ध जो है इतना लंबा चलने वाला है। तमाम लोगों ने जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं या यूक्रेन को किसी भी प्रकार से अपना गैस की अपनी रिजर्व को देख रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ेगी चलेगी। इसलिए हर एक देश की एक सीमा होती है, आप लगातार सप्लाई अपना करते नहीं चले जाते हैं, आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, आपके जो असला और गोला बारूद और आपके जो वेपन सिस्टम्स हैं उनकी आवश्यकता है। तो मेरा यह मानना है कि नॉट ओनली जर्मनी, और भी जो देश उसको मदद करते चले जा रहे हैं, उनको भी एक समय ऐसा आने वाला है कुछ समय के पश्चात कि जब उनको लगेगा कि वो और इससे अधिक मदद नहीं कर सकते। अभी सवाल सिर्फ ये है कि अमेरिका कितना मदद कर सकता है और कैसे करेगा, ये बात हम सोचने की है। दूसरी बात मैं आपको एक बार बताता हूं कि यूक्रेन जो है उसकी जियोग्राफिक लोकेशन इस प्रकार की है कि वो एक इनहेरेंट सॉर्ट ऑफ यू नो प्रोटेक्शन कई यूरोपियन देशों को प्रोवाइड करता है। तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो है उसमें लगातार इसमें सप्लाई करते रहने में ज्यादा हिचक मेरे को लगता नहीं कि दिखाएंगे, क्योंकि उससे उनको इनहेरेंट डेप्थ मिल रही है रशिया के ऑनस्लॉट से। रहा सवाल गैस का, जहां तक फ्रांस है, फ्रांस ने इस बात को एंटिसिपेट किया था और फ्रांस के पास मुझे लगता है कि काफी मात्रा में उन्होंने रिजर्व्स 89% फ्रांस ने एंटिसिपेट किया था। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, हजार सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।